हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आलू की ऐसी सब्ज़ी जो आपने घर में कभी नहीं बनाई होगी। आलू की ये रेसिपी सभी को घर में बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई करके बताना आपके घर में कैसी लगी। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए आलू। आलू को हमने अच्छे से स्टीम कर लिया है। स्टीम करने के बाद सारी स्किन हमें पील ऑफ कर लेनी है और अच्छे से क्रश कर लेना है। क्रश कर लेने के बाद हमने 2 टेबलस्पून बेसन डालना है। उसके बाद हमने सारे मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, मैंने यहाँ 1 टीस्पून डाला है। उसके बाद सभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से सारे मसाले और आलू अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने राउंड शेप के बॉल बनाने हैं इसके। इसी तरह हमें आलू के बॉल या आलू के कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारे बॉल रेडी करने हैं। आप सभी ने आलू की सब्ज़ी खाई होगी, पर ऐसे कोफ्ते आपने कभी नहीं खाए होंगे। आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपकी सब्ज़ी कैसी लगी। यहाँ पर मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक यूज़ की है, जो जानने के लिए आपको एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। इस तरह से हमें सारे कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। उसके बाद हमें कढ़ाई लेनी है, उसमें तेल डालकर गरम करने रख देना है। गरम हो जाए उसके बाद सारे कोफ्ते जो हमने रेडी किए थे वो इसमें डालकर हमने फ्राई कर लेने हैं। लो फ्लेम में हमें फ्राई करने हैं, थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हमें फ्राई करने हैं। अच्छे से चारों ओर से हिलाना है और सभी तरफ से हमें पकाना है अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्राउन होने लगे हैं। इसी तरह से हमें ऐसे ही ब्राउन करने हैं। हम धीरे से सारे कोफ्ते निकाल लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देने हैं। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। ये लो फ्रेंड्स, सभी कोफ्ते हमारे रेडी है फ्राई होके। उसके बाद हमें एक कढ़ाई में तेल डालना है 2 टेबलस्पून। उसके बाद हमें सारे डालने हैं, जैसे कि हींग, राई, मेथी, जीरा, सभी डालकर हमें प्याज काट कर रखनी है, वो इसमें डाल देनी है। प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने देनी है, तब तक हमें पकाना है। उसके बाद हमने मसाला ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर का, पानी में घोल के, जैसे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला हमें अच्छे से पकाना है, जिससे कि हमें अच्छा सा टेस्ट मिले। आप मेरी रेसिपी शेयर करते हैं या नहीं फ्रेंड्स? आप अपने फ्रेंड्स, सभी रिलेटिव्स को शेयर करना और ज़रूर बताना कि सभी को मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। अगर आपको ये कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। उसके बाद हमने गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून, अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे। हमारे घर में तो ये सब्जी सभी को बहुत ही पसंद है, बच्चों को लेकर
लेकर सभी बड़ों तक ये सब्जी सबकी फेवरेट है। उसके बाद हमें धनिया पत्ता ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम में हमें सभी पकाना है। अच्छे से सारा मसाला पक गया है और अभी हमें जो कोफ्ते रेडी किए थे वो इसमें डाल देने हैं। अच्छे से धीरे से हमें सभी मिक्स कर लेना है, जैसे मिक्स हो जाए उसके बाद हमें दही डालना है ऊपर से। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून दही डाला है जिससे कि अच्छा सा हमें खट्टा टेस्ट मिले। धीरे से हमें सब्जी और दही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से चारों ओर से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए पकने देना है। लो फ्लेम में ही हमें गैस रखना है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा सब्जी पक गई है। उसके बाद हमें 1 टीस्पून शक्कर ऊपर से डालनी है टेस्ट के लिए। अगर आपको घर में शक्कर नहीं पसंद तो नहीं डालना, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालना है। उसके बाद हम गार्निश करेंगे धनिया पत्ते से। उसके बाद हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये लो फ्रेंड्स, हमारे आलू के कोफ्ते बनकर रेडी है। मुंह में ही देखते पानी आ जा रहा है। आपको ये मेरी आलू के कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाद में मिलते हैं नई रेसिपी लेके। बाय बाय।